दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दिल्ली पुलिस ने हालत खराब कर दिया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा ऐलान करा है जिसको जानने के बाद आप लोग भी दंग रह जाओगे। दोस्तों आपको पता ही होगा, 2 मई 2023 को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया था और मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि गोगी गैंग का बदमाश था। दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद चारों तरफ से मीडिया कर्मियों ने कहना शुरू कर दिया कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से भयानक गैंगवार वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों हर तरफ से आशंका जताया जा रहा था कि दिल्ली के अंदर एक भयानक गैंगवार होगा, क्योंकि दोस्तों नीरज बवाना टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद पूरी तरह से बौखला गया था। ऐसा लग रहा था कि नीरज बवाना गोगी गैंग के बदमाशों से बदला तो लेकर रहेगा। और दोस्तों नीरज बवाना का करीबी नवीन बाली ने भी साफ साफ बोल दिया था कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, गैंगस्टर नवीन बाली को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगर बात करा जाए नीरज बवाना का, तो नीरज बवाना का तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल बताया जाता है दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से कोई भी परेशानी अपने सिर पर नहीं लेना चाहती है और दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से गैंगवार हो। लेकिन दोस्तों टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद बताया जा रहा है गोगी गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार तो कर ही लिया गया है, लेकिन अब नीरज बवाना गैंग के लोग जो कि गोगी गैंग के बदमाशों को मारने का प्लानिंग कर रहा था और दिल्ली पुलिस को जैसे ही भनक लगी धीरे धीरे दिल्ली पुलिस ने अलग तरह का ही प्लानिंग कर लिया। अब बताया जा रहा है दोस्तों नीरज बवाना गैंग के जितने भी गुर्गे हैं उन लोगों को एक एक करके गिरफ्तार करा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अब बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों का भी हालत खराब कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि दिल्ली के अंदर किसी का दादागिरी अब नहीं चलेगा। आपको बता दूं दोस्तों, दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद ऐसा आशंका जताया जा रहा था कि तिहाड़ जेल के अंदर एक बार फिर से दो गैंग के बीच आपसी रंजिश की लड़ाई चल सकती है। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग आपस में टकरा सकता है। ऐसा लग रहा था कि गोगी गैंग के बदमाशों से नीरज बवाना बदला लेगा, लेकिन अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि नीरज बवाना गैंग का इतना क्षमता नहीं है कि वो किसी से भी बदला ले सके, क्योंकि दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है नीरज बवाना के खिलाफ बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों नीरज बवाना ने ऑलरेडी पहले कई तरह का कांड कर चुका है और अब बताया जा रहा है नीरज बवाना जैसे ही एक्टिव होता उससे पहले ही नीरज बवाना को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने फैसला कर लिया है कि नीरज बवाना गैंग के जितने भी गुर्गे हैं उन लोगों को एक एक करके गिरफ्तार कर लेंगे। जब वो लोग बाहर में रहेगा ही नहीं तो वो लोग कहाँ से आपराधिक काम कर पाएगा। वहीं अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को भी गिरफ्तार करा जाएगा। वैसे आपको बता दूं, जिस दिन गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा गया था उस दिन लॉरेंस बिश्नोई के 8 साथियों को गिरफ्तार करा गया था। उन 8ों के बारे में बताया जा रहा था वो लोग दिल्ली के अंदर कई तरह का कांड कर रहा था, साथ ही साथ दोस्तों वो लोग दिल्ली पुलिस के साथ भी गेम खेल रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस दिन टिल्लू ताजपुरिया का हत्या हुआ उसी दिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 गुर्गों को गिरफ्तार करा था। और अब दोस्तों बताया जा रहा है एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर रेड मार रही है। एक तरफ नीरज बवाना गैंग को शांत करने में लगी है एनआईए की टीम, तो दूसरे तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी खल्लास करने में लगी है एनआईए की टीम। आपको बता दूं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम चारों तरफ देश के अंदर दबिश दे रही है और जो भी बड़ा बड़ा गैंगस्टर है उन लोगों का अब जीना हराम होने वाला है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस ने ऐलान करा है कि हम लोगों के रहते हुए अब दिल्ली के अंदर कोई भी बड़ा कांड नहीं कर पाएगा, कोई भी आपराधिक कर्मकांड को अंजाम नहीं दे पाएगा और दिल्ली पुलिस ने यही ऐलान करा है। और दोस्तों इसी बात को जानने के बाद अब गैंगस्टरों का होश उड़ जा रहा है। हालांकि दोस्तों दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का ऐलान करा है कि दिल्ली के अंदर अब किसी भी तरह का कोई भी गैंगवार नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने जो ऐलान करा है वो ऐलान जो कि सच साबित होगा? हालांकि मैं तो आशा करता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो बोली है वो ऐसा ही करे। बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ना ही आप बता सकते हो ना ही मैं बता सकता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों जो भी खबर निकलकर सामने आ रही थी आशा करता हूँ वो खबर आप लोगों तक पहुँच गया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना और मेरे दोस्त कभी भी आपराधिक काम नहीं करना। जय हिंद।